हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभ्रा। स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल सैलड एंड फूड बाय शुभ्रा में। आज की रेसिपी है महाराष्ट्र स्पेशल मटकी करी, और ये मटकी करी मैंने बनाई है स्प्राउट मटकी से, और इसमें ऐड किया है ग्राउंड नट, जो कि दोनों ही फुल ऑफ प्रोटीन हैं। तो अच्छी अच्छी रेसिपी और हेल्दी हेल्दी रेसिपी बनाएंगे, ऐसी ही एक रेसिपी बनाएंगे हम महाराष्ट्र स्पेशल मटकी करी। तो चलिए बनाते हैं। इस करी को बनाने के लिए एक डीप पैन यानी कि कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे और उसे गर्म होने देंगे। बहुत ही अच्छी तरह जब गर्म हो जाए तो ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड्स, और इसे स्प्लटर होने देंगे और ऐड कर लेंगे करी लीव्स, ग्रीन चिलीज, और इसे स्टर कर लेंगे। सारे सीड्स, ग्रीन चिलीज और करी लीव्स अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, तभी हम इसमें नेक्स्ट आइटम ऐड करेंगे, स्लाइस्ड गार्लिक। और इसे टेम्प्टिंग बनाने के लिए हम ऐड करेंगे ग्रेटेड जिंजर, और इसे हम स्टर कर लेंगे और गोल्डन फ्राई करेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, और लीजिए ये थोड़ा गोल्डन फ्राई हो चुका है, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे चॉप्ड अनियंस, और इसे भी हिलाते चलाते हुए, स्टर करते हुए गोल्डन फ्राई करेंगे। इस वक्त हम मीडियम टेम्परेचर ही मेंटेन करेंगे। गोल्डन फ्राई करते वक्त अनियंस को बीच बीच में हिलाते रहिएगा ताकि वो जले नहीं। तो लीजिए ये गोल्डन फ्राई हो चुका है, तो ऐड करेंगे कांदा लहसुन मसाला, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, और मिक्स करते हुए इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। फ्यू सेकेंड्स ही भूनेंगे क्योंकि जलने का चांस रहेगा, और आप चाहें तो इस वक्त टेम्परेचर लो मेंटेन कीजिए। और ऐड कर लेंगे चॉप्ड टोमेटोस। टोमेटोस को मसाले में मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो लीजिए मिक्स हो चुका है, तो हम इसे लो टेम्परेचर पे ढककर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट में टोमेटोस कुक हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, तो हम स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा मैश कर लेंगे। टोमेटोस इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि मैश करने के बाद ये बिल्कुल ग्रेवी जैसा तैयार हो गया है। वैसे तो टोमेटो प्यूरी भी डाल सकते हैं, मगर ऐसे ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, और इसे भी मिक्स कर लेंगे और फ्यू सेकेंड्स थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। अब लीजिए ये मिक्स हो चुका है, तो ऐड कर लेंगे स्प्राउट मटकी, और इसे भी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मटकी को स्प्राउट करने से पहले उसे साफ पानी से धो लें और पीने के पानी में ही भिगो कर रखें 4 घंटे के लिए। मटकी भीग जाने के बाद उसे फिर से एक बार साफ पानी से धोएं और एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन करके उसे स्प्राउट करें ओवरनाइट। मटकी में बहुत प्रोटीन है जो कि बहुत ही हेल्दी है। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर मैंने 1 लीटर ऐड किया है। आप चाहें तो अपने अनुसार भी इसमें पानी ज़्यादा या कम कर सकते हैं कि कितना आपको थिक चाहिए और कितना रसेदार चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड क्रस्ट ग्राउंड नट, जिसे महाराष्ट्र में सेंगदाणे का कूट भी कहते हैं। तो लीजिए, ऑलरेडी हमने एक बार मिक्स कर लिया है, तो इसे ढक कर पकाएंगे 10 से 12 मिनट तक मीडियम लो टेम्परेचर पर। हर 2 से 3 मिनट के बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। 6 to 7 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो हम इसे फिर से एक बार ढककर पकाएंगे। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। 10 से 12 मिनट भी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट मटकी तैयार हो चुकी है, थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। आई थिंक ये रेडी है, कम्प्लीटली रेडी है, और इसे गार्निश कर लेंगे चॉप्ड कोरिएंडर लीफ से। तो लीजिए, महाराष्ट्र स्पेशल मटकी करी रेडी है। लग रही है ना टेम्प्टिंग?
सर्व कर लेंगे एक बाउल में। कितनी खूब लग रही है मटकी करी, महाराष्ट्र स्पेशल। रियली ये महाराष्ट्रियन डिश बहुत ही शानदार है, बहुत ही यम्मी है। फुलके के साथ खाइए, घी वाले फुलके के साथ खाइए, तंदूरी रोटी के साथ खाइए, और आपको पसंद आए तो स्टीम राइस के साथ भी खाइए। मटकी करी बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। ईट एंड एंजॉय। अगर आपको मटकी करी जो कि महाराष्ट्रियन स्पेशल है ये पसंद आई है तो मेरे चैनल सैलड एंड फूड बाय शुभ्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ऐसी ही मैं कुछ न्यू रेसिपीज़ का आइडियाज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी, और वो आइडियाज़ बहुत ही ईजी होगा जिससे आप ईजिली बना सकेंगे कोई भी रेसिपी और इन्जॉय कर सकेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।